हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं चाइना से बना रहा हूँ, जो वुहान प्रोविंस है उसके जो नेक्स्ट, वुहान का जो सिटी है उसका नेक्स्ट जो सिटी है नानजिंग, तो ये जो जियांगसु प्रोविंस है वहाँ से बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बनने का मेरा ये पर्पस है कि आज मैं न्यूज़ में देख रहा था कि हमारे जो इंडिया में केसेस 300 को क्रॉस कर गया, तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। मतलब 300 को क्रॉस कर जाना, मतलब यहाँ पर जो है तो स्टेज 2 से स्टेज 3 में हम लोग जा रहे हैं, मतलब इन बिटवीन हम कहीं है। और आप देखिए, आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग स्टेज 3 में होंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग तो न्यूज़ में पढ़ ही रहे होंगे कि चाइना में लास्ट फ्राइडे यानी कि कल एंड डे बिफोर यस्टरडे यानी कि थर्सडे देर आर नो न्यू रिपोर्ट्स ऑफ द लोकल चाइनीज सिटीजन। एंड यहाँ जो भी रिपोर्ट आ रहा है वो बाहर से जो आ रहा है वो लोग रिपोर्ट हुए, जैसे 20 प्लस जो रिपोर्ट हुआ है, यहाँ लोकल कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये इन लोगों ने कैसे किया? अब मैं भी यही हूँ, लास्ट 2.5 मंथ से मैं अपने ही रूम में हूँ, मतलब मैं भी सेल्फ क्वारंटाइन में ही हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग भी इंडिया में जो है तो इसको बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है तो फुल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडियन। आप लोग एक बात समझ जाइए, बीबीसी का जो रिपोर्ट है उन लोगों ने, सॉरी WHO ने कहा है कि एक पेशेंट कोरोना वायरस का अगर आप उसको आइसोलेट कर दो तो वो 2.6 लोगों को ये कोरोना वायरस देता है, अगर इनकेस ही इज आइसोलेटेड, ये आप समझ जाओ। और अगर उसको आइसोलेट नहीं किया है, अगर जैसे कि किसी को कोरोना वायरस हुआ है और उसको छोड़ दिया जाए, तो 3,500 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो आप ये समझ जाओ आइसोलेशन का कितना बड़ा ये इंपॉर्टेंस है। और जैसे कि चाइना में, अब मैं यहाँ हूँ तो जैसे मैं अपना बताता हूँ कि यहाँ सेल्फ क्वारंटाइन में जो मुझे रखा गया है, या फिर पूरे जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन सबको सेल्फ क्वारंटाइन में रखा है, जो भी जो कैंपस छोड़ के नहीं गए। तो हम लोग को सिर्फ वीक में एक बार बाहर जाना अलाउड है, वो भी सिर्फ 4 आवर्स के लिए। और अमन जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो टेम्परेचर चेक होता है गेट पे, अगर मैं कैब बोर्ड कर रहा हूँ तो कैब वाला मेरा टेम्परेचर चेक करता है। उसके बाद मैं मॉल में जाता हूँ तो मॉल के गेट पर मेरा टेम्परेचर चेक हो रहा है। अगर मैं बस बोर्ड कर रहा हूँ तो बस में मेरा टेम्परेचर चेक होता है। और अगर मैं मेट्रो में जा रहा हूँ तो वहाँ मेरा टेम्परेचर चेक होता है। तो अमन अगर मैं यहाँ से जाऊँगा ग्रोसरी लेने के लिए तो रिटर्न आने तक 10 लोग मेरा टेम्परेचर चेक करेंगे। तो आप समझ जाओ कि चाइना में कितना इंटेंसिव सर्च इन लोगों ने किया है। तो जैसे अगर किसी का टेम्परेचर ज़रा भी हाई आया तो उसको लेके ये लोग इसका टेस्टिंग कराएंगे और थोड़ा साइड में रखेंगे, इसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे। और अब इंडिया में हम लोग को इसी तरह से एफर्ट देना पड़ेगा। हम लोग को क्या है, हम लोग इसके आदि नहीं है, वी आर नॉट हैबिचुएटेड फॉर दिस हार्श जो रूल्स है उसके लिए हम लोग उतना आदि नहीं है। तो हम लोग को अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए हम लोग को आदि हो जाना चाहिए कि हम, अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन वी एज अ पीपल ऑफ इंडिया हम लोग को तो कुछ करना चाहिए। तो हम लोग को जो मैक्सिमम अपन कर सकते हैं कि आप सेल्फ क्वारंटाइन शुरू कर दो सब के सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, एक आदमी अगर वो ये इन्फेक्टेड है तो 3,500 लोगों को अगर उसको आइसोलेट नहीं करोगे तो उतने लोगों को वो इन्फेक्ट कर देगा। जैसे कि हम लोगों ने इटली का केस देखा, ईरान का केस देखा, साउथ कोरिया का केस देखा, और आप रिसेंट में देखिए अमेरिका का केस। यहाँ लोग जो है तो देखिए, पहले 10 दिन आप देखोगे सिर्फ 5 केस, 4 केस, 10 केस, और अचानक से जैसे ही नंबर 250-300 के आगे जाए तो नंबर जो है तो 50, उसके बाद 100, फिर 1000 से बढ़ेगा। और आज इटली में अगर आप कल देखोगे तो 5000 केसेस रिपोर्ट हुए और 600 डेथ वहाँ पर रिपोर्ट हुए। अगर इंडिया को वो सिचुएशन में नहीं जाना है तो हम सबको जो है तो घर पे रुकना पड़ेगा, उसका एक ही सोल्यूशन है। क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उतना रोबोस्ट नहीं है, आप समझ जाइए, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी हम लोगों का जो कैपेसिटी है, हमारे जो पॉपुलेशन है उतना हम लोगों को उसको वो बेयर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, और एक चीज़, मैं इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप भी वो रिपोर्ट, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कि अगर हम लोगों ने प्रॉपर केयर नहीं लिया तो अराउंड 30 मिलियन पीपल उस इन्फेक्ट हो सकते हैं इंडिया में। तो आप ये समझ जाए, और ये बहुत सीरियस रिपोर्ट है, इन्होंने बहुत डिटेल उसमें डिस्कस किया है। और अब ये आप समझ जाओ कि ये कंट्रोल होने वाला नहीं है, लेकिन हमको इसका जो कर्व है उसको दबाना है, उसको नीचे मिनिमम लोगों तक रखना है। तो इसके लिए आपको सेल्फ क्वारंटाइन जो चीज़ है वो सबको करना पड़ेगा। इसलिए कल जो जनता कर्फ्यू यानी कि हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो कहा है, सेल्फ क्वारंटाइन जिसको कहेंगे, तो सब उसको फॉलो करो, उसी के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाया था। और
अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक चीज़, अगर वो तो हर कोई बता रहा है फिर भी मैं बता देता हूँ, वो इसके जो बचने के जो तरीके हैं, आप 100% इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस अगर आपको इससे अफेक्ट नहीं हो तो आप अपने हैंड वॉश करो, मास्क पहनो। मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऑड लग रही है मुझे कि इंडिया में लोग कह रहे हैं कि मास्क मत पहनो, लेकिन चाइना में आप कहीं भी जाओ आपको कोई एक बंदा अगर आप बता दो विदाउट मास्क तो आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, कोई भी यहाँ बगैर मास्क का नहीं जा रहा है। शायद गवर्नमेंट हमारे पास जो मास्क जो है तो उतना उसका सप्लाई या फिर उसका कोटा उतना नहीं, शायद इसीलिए मास्क नहीं पहनना नहीं चाह रही है, या फिर आपने सब पब्लिक को पैनिक हो जाएगा अगर मास्क के पीछे जाएंगे तो जो ज़रूरतमंद है उनको मास्क ना मिले, शायद ये उनका इंटेंशन हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट कवर आपका फेस जो है तो रुमाल यानी कि जो हैंकरचीफ है या फिर जो भी है आपका स्कार्फ, उसे आप अपना फेस ज़रूर जब भी आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तो ज़रूर कवर करके जाइए। तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा था, मैं तो सेफ ही हूँ, लास्ट टाइम भी मैं बताया था, अभी मैं सेफ हूँ। और यूनिवर्सिटी का जो है तो अभी भी यूनिवर्सिटी बंद है ये आप समझ जाओ, तो यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट होगा यहाँ, इन लोगों ने बताया कि अप्रैल में यहाँ यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगा, अप्रैल मिड में जाके यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगा। और जो वुहान है वहाँ तो आप छोड़ ही दो। और आप और एक चीज़ बोल रहे हो कि वुहान अभी भी लॉकडाउन में क्यों है, क्योंकि वहाँ तो कल भी कोई केस नहीं निकला, उसके पहले भी कोई केस नहीं निकला, तो उसका एक रीज़न है कि ये लोग पूरा 15 दिन अगर जीरो केस निकलेगा तभी वुहान का जो है तो लॉकडाउन उठेगा। तो ये भी आप देखो चाइना के रूल्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर वुहान में आगे आने वाले 12 दिनों में और भी एक जीरो एक केस भी निकल जाए तो उसके बाद और 15 दिन इन लोगों को जीरो केस के लिए इंतजार करेंगे। तो वुहान में तो आप समझ जाओ कि इतना स्ट्रिक्ट इन लोगों का ये रूल होता है। अब यहाँ जो नानजिंग में मैं रहता हूँ, लास्ट केस जो निकला था वो निकला था 8 मार्च को जो निकला था, और आज अमन 21 मार्च है तो अभी तक कोई केस नहीं निकला। तो आज जाके इन लोगों ने ऑलमोस्ट ये अनाउंस किया है कि यूनिवर्सिटी जो है तो मिड अप्रैल में खुलेगी। तो तब तक तो दोस्तों तब तक तो मैं वीडियो भी बनाते रहूँगा, और आप लोगों को भी आप लोगों की मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है तो सेल्फ क्वारंटाइन और सेल्फ हाइजीन मेंटेन करोगे, क्योंकि इंडिया में अगर आप लोगों को इसको बचाना है तो हम लोगों को आगे आके ये करना पड़ेगा। आगे आने का मतलब है कि आप अपने रूम में आप जहाँ भी हो अपने आप को आइसोलेट कर दो, और अगर आप सिख हो तो प्लीज़ कभी किसी के कांटेक्ट में मत आइए, सीधा आप रिपोर्ट करो, क्योंकि इंडिया में जो है तो सोशल बॉयकॉट जो चीज़ है वो बहुत है। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र में एक पेशेंट जो कोरोना का है उसके फैमिली को लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, तो यही है कि ये डिस्करेज करेगा पब्लिक को आगे आने में। हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, इट जस्ट एक बीमारी है और ये ठीक होने वाली है, लेकिन हम लोग को इसको बढ़ाना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।